कोरोना वायरस के मामले भारत समेत दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 87 लाख के पार हो गई है। वहीं इस बीच कोरोना वैक्सीन को खोजने का काम भी तेजी से हो रहा है। यहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर बड़ी खबर और ताजा जानकारी मिलेगी। वॉलंटियर ने साझा किया मॉडर्ना वैक्सीन का अनुभव। मॉडर्ना की वैक्सीन के ट्रायल में शामिल वॉलंटियर ने अपना अनुभव साझा किया है। उसने बताया है कि ट्रायल के दौरान उसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। इसमें उसे दर्द और बुखार की शिकायत हुई। नॉर्थ कैरोलिना की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र ने बताया उसे पहले इंजेक्शन के बाद साइड इफेक्ट देखने को मिले थे। हालांकि छात्र का कहना है कि टेस्ट पूरा होने पर इस वैक्सीन को लिया जाना चाहिए। फाइजर वैक्सीन पर क्या बोले डॉक्टर एंथनी फाउची। फाइजर कोरोना वैक्सीन की सफलता पर डॉक्टर एंथनी फाउची, अमेरिका के शीर्ष सरकारी डॉक्टर ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा इससे ज्यादा लोग टीका लगवाने को राजी होंगे। फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक द्वारा मिलकर बनाई गई वैक्सीन को 90% असरदार पाया गया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।